हेलो दोस्तों, मेरा मकसद है जो भी मैं जानता हूँ आप तक पहुँचाऊँ जिससे आपको अनगिनत फायदा हो। तो चलिए सीखते हैं रोज़ पढ़े जाने वाले इंग्लिश के वाक्य या बोले जाने वाले वाक्य। इन वाक्यों को किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है, यही आज का विषय है। दोस्तों एक बात और जान लें, हिंदी के वाक्य जिस प्रकार के होते हैं ठीक उसी प्रकार के इंग्लिश के वाक्य नहीं होते। हम हिंदी वाक्यों को हिंदी में ही और सरल बनाकर इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। जिन गलतियों को हमने भूतकाल में किया है उससे बहुत कुछ सीखा है। जब इसे हम सरल बनाते हैं तो इसका अर्थ है हमने बहुत कुछ सीखा है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक। भूतकाल की गलतियों से सीखा है जिसे हमने किया है। Which we committed। इस प्रकार हम ऐसे वाक्यों को सरल बनाते हैं। नेक्स्ट, हमारे पीएम ने लोगों से अनुरोध किया है वे जहां भी हैं अपने अपने स्थानों पर भाईचारा बनाए रखें, उसे मजबूत करने हेतु कार्य करें। तो जो भी यहाँ घेरे के अंदर शब्द हैं इन तमाम शब्दों को हटाकर हम यूं कहें, हमारे प्रधानमंत्री ने लोगों से भाईचारा बनाए रखने हेतु कहा है, तो बिल्कुल सरल वाक्य हो जाएगा। आवर प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन द पीपल टू वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग हारमोनी एट देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस। इस प्रकार से इस बड़े वाक्य को सरल वाक्य में चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट, 18 समुदाय के 28 लोगों ने इस खेल में हिस्सा लिया। यहाँ 28 लोगों ने हिस्सा लिया, सब्जेक्ट और वर्ब सर्वप्रथम हमें चाहिए। दिस इज पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। 28 पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस मीट। इस खेल में हिस्सा लिया 28 पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम 18 कम्युनिटीज। यानी 18 समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे 28 लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ रहा रही जब भी सेंस आता हो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। 28 पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम 18 कम्युनिटीज पार्टिसिपेटेड इन दिस मीट। इस प्रकार से ऐसे वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। नेक्स्ट, हिंसा में विश्वास रखने वाले लोग शांति की भाषा नहीं समझते। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी के जटिल वाक्यों को सरल वाक्य में हिंदी में ही चेंज करें, उसके बाद अनुवाद इंग्लिश में करें। जैसे हिंसा में विश्वास रखने वाले लोग शांति की भाषा नहीं समझते, यानी लोग जो हिंसा में विश्वास करते हैं शांति की भाषा नहीं समझते। द पीपल हु बिलीव इन वायलेंस डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पीस। इस प्रकार से हम सरल भाषा में ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने रोज़ पढ़े जाने वाले इंग्लिश के वाक्यों को देखा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।